बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, परमपिता परमात्मा की बड़ी रहमत बड़ी दया है कि हमें उनके श्री चरणों में बैठ के उनके दर्शन करने का मौका मिला है। अनंत जन्मों से ये आत्मा कभी किसी योनि में भटक रही है, कभी किसी योनि में भटक रही है। इस शरीर से पहले कहाँ था इसको कोई अनुभव नहीं, शरीर के बाद कहाँ होगा इसका भी कोई पता नहीं। और ये अटल सत्य है, ये आत्मा इस शरीर को छोड़ के एक दिन जरूर जाएगी। परमपिता परमात्मा ने आत्म कल्याण के लिए मालिक के नाम की बंदगी सिमरन करने के लिए, जन्म जन्म के दुखों से छूटने के लिए ये मानव जीवन बख्शा है, मानव चोला बख्शा है। लेकिन मानव जीवन में भी हम वही राग द्वेष का व्यवहार करते हैं, बेईमानी का व्यवहार करते हैं। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, आप भले ही दिन रात मंदिर में गुरुद्वारे में पूजा पाठ करते रहें, लेकिन जब तक आपकी आदत नहीं बदलेगी तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, आपके अंदर सुधार नहीं आएगा। आप भले ही 2 घंटे की बजाय 4 घंटे बैठक करें, लेकिन व्यवहार आपका वैसे ही है, निंदा का बेईमानी का। आप दिन रात मंदिर गुरुद्वारे जाएं, जितनी देर आप बैठे हैं उसका लाभ तो होगा, लेकिन मानव जीवन सार्थक नहीं कर पाएंगे, दुखों से नहीं छूट पाएंगे। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संग जी, हम किस लिए आते हैं? समझने के लिए आते हैं, एक दूसरे का आदर सम्मान करने के लिए आते हैं। लेकिन कुछ लोग पता ना ज्यादा ज्ञानी होते हैं, बड़ा सत्संगी होते हैं, पता ना बड़े धर्मात्मा होते हैं, एक दूसरे को धक्का मार के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं सारा जीवन इसी बात पे जोर देता हूं, जब तक व्यक्ति का व्यवहार नहीं बदल पाएगा तब तक आध्यात्मिक यात्रा आप नहीं कर पाएंगे। आप भले ही रोज रोज माथा तिलक लगाएं, मंदिर जाएं, व्रत करें, दान करें, आप पुण्य करें, ये बातों से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है, आपका कर्म ठीक हो सकता है। महापुरुषों ने तो बड़ा स्पष्ट कहा है, गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन करते दान, सो तो दान हराम है पूछो वेद पुराण। हमारे शास्त्र कहते हैं व्यक्ति के अंदर मनमुखता बनी रहेगी, मान और अहंकार बना रहेगा, व्यक्ति के अंदर एक दूसरे के प्रति छल कपट की व्यवहार बना रहेगा, तो आंतरिक यात्रा नहीं कर पाएगा। भले ही शास्त्र युक्त व्यवहार करता हो, शास्त्र युक्त उसके वचन हो, शब्द हो, लेकिन आंतरिक यात्रा तो मनमुखी तरीके से कोई नहीं कर सकता। अभी वाणी में गाया था, मनमुख पंडित मनमुख मुंडित मनमुख राजा राना, नितानंद जिस महल गुमानी गुरुमुख मार्ग जाना। मनमुखी बड़े बड़े तपस्वी हुए, बड़ी बड़ी तपस्या किए, लेकिन अंत वेले गुरु के शब्दों को स्वीकार किया तो उनका उद्धार हुआ, नहीं तो उनकी आंतरिक यात्रा नहीं बन पाई। उदाहरण में नारद मुनि
मेरे श्री नारद मुनि को गुरु बनाना पड़ा। सुखदेव मुनि बड़े तपस्वी बड़े त्यागी थे, लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ तो उन्होंने राजा जनक के सिर चरणों में बैठ करके आत्म कल्याण का शिक्षा लेनी पड़ी। इसलिए सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, हम परम संत गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल के सिर चरणों में बैठे पूर्ण धनी हैं, पूर्ण संत हैं, जिनके हृदय में सच्ची मोहब्बत और प्रेम होता है वो प्रेमी सहज सरल। सत्संग चल रहा है तो सत्संग की मर्यादा को समझेगा। जहां जगह मिल जाए, आवाज स्पष्ट आ रही है, बस उसी जगह शांत होकर के गुरुदेव की वाणी को सुनने में लग गई। शांत होकर के बड़ी मर्यादाएं होती हैं सत्संग की। गुरु नानक देव महाराज एक गांव में सत्संग कर रहे थे। एक वृद्ध व्यक्ति सत्संग में आके बैठता और सत्संग समाप्त होने के बाद में चला जाता था। सबसे पहले आता, सबसे बाद में जाता था, और तो और उनको सुनाई भी नहीं देता था, बड़ा ऊंचा सुनता था। किसी व्यक्ति ने पूछा, बाबा आपको सत्संग सुनाई देता है? बोला नहीं। फिर कहा, बाबा आपको सत्संग सुनाई नहीं देता तो आप बैठते क्यों? बोला संत महापुरुषों की वाणी की जो वाइब्रेशन होती है, जो गाते हैं उससे जो गुंजन होती है, उससे मुझे आत्मिक आनंद मिलता है। मेरा मन ने इस बात को स्वीकार किया है। धन है ऐसा ऊंचे विचार वाला व्यक्ति। फिर पूछा, बाबा आप सबसे पहले आके बैठ जाते हो, सबसे बाद में जाते हो, ये क्या बात है? बोला सत्संग की मर्यादा है, सदगुरु नाम की, परमपिता परमात्मा का गुणगान किया जाता है, तो मर्यादा ये है कि सबसे पहले आके बैठो, शुरू होने से पहले बैठ जाओ, उसका इंतजार करो, परमपिता परमात्मा के नाम की चर्चा का गुणगान करो, और लास्ट में इन्होंने धक्का मुक्की मार के नहीं, बड़े शांत से बड़े सहज स्वभाव से सत्संग में। हम घर परिवार से दूर चल के अपने काम को छोड़ के आते हैं, बैठते हैं, तो पहली बात यहां अगर हम मर्यादा में रहने की कोशिश करते हैं, शांत चित्त, शुद्ध व्यवहार और विचार पवित्र, तो उस सत्संग को हम अपने घर तक ले जाते हैं। वही अपने माँ बाप के साथ, सास ससुर के साथ, भाई बंधुओं के साथ व्यवहार करते हैं, गोती नाती के साथ व्यवहार करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपका सत्संग का सात्विक प्रभाव बढ़ता जाएगा और धीरे 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 उसका प्रभाव देर सवेर परिवार के ऊपर भी पड़ने लग जाएगा और लोगों पे पड़ने लग जाएगा। और आपका व्यवहार, आपने सत्संग सुना और झाड़ के चले गए, वही मखौल, वही निंदा चुगली, वही व्यवहार में बदलाव नहीं, विचारों में बदलाव नहीं, तो फिर सारी उम्र धक्के खाते रहना, लोग कटने लग जाएंगे, किसा सत्संग, इसका तो व्यवहार भी ठीक नहीं है, लोग कहेंगे ये कैसा व्यक्ति है, इसका तो विचार भी ठीक नहीं है, नहीं दूसरा कहे नहीं ये तो सत्संग में तो हो जाता है, बड़ा अच्छी बात वाणी सुनाता है। मतलब वाणी सुनाने से, मुख में राम राम करने से या पूजा पाठ करने से क्या होगा? जब तक व्यक्ति का विचार ठीक नहीं, भाव ठीक नहीं, चित्त ठीक नहीं। महापुरुषों ने बहुत स्पष्ट कहा है, बड़ा खुला कहा है, कोई लाग पेट का कोई पर्दा डाल के बातें नहीं कही। महापुरुषों ने कहा है, हृदय शुद्ध किया ना बावरे कहत सुनत दिन बित्यारे। गीता पढ़े, भागवत, वेद, कुरान ग्रंथ पढ़ते हैं, पर हृदय शुद्ध किया ना बावरे कहत सुनत दिन बित्यारे। नाम भजा सोई जित्या जग में, नाम भजा सोई जित्या रे,
जिन्होंने मालिक के नाम के प्रति समर्पण भाव होता है वो परमपिता परमात्मा को सब घट घट में जानते हैं कि वो परमपिता परमात्मा मेरा धनी मेरा मालिक सबके अंदर मौजूद है। यदि कोई ऐसा सार ग्रहण करता है तो उसको सार ग्रही कहते हैं। स्वामी नित्यानंद दयाल जी महाराज सार ग्रह कांग में एक वाणी में कहते हैं, नितानंद गुण लीजिए सब घट रमता राम, जो कोई अवगुण करे ताका बिगड़े काम। जो अवगुण करता है, जो कपट करता है, जो बेईमानी करता है, उस व्यक्ति के साथ एक तो आत्मा का एक नया कर्म बन गया, वो आवरण और आत्मा के साथ लग गया। उस कर्म का भुगतान करने के लिए फिर उस व्यक्ति ने किसी योनि में जाना पड़ेगा। और इसलिए सद्गुरु महाराज कहते हैं अवगुण नहीं करना है, गुण लीजिए, आप सार ग्रहण करिए। सत्संग में बैठे हैं तो सात्विक विचार, और वो विचारों पे जो वाणी आपने सुनी है वो अमल करनी है। अमल में लाएंगे तो फिर आपका काम नहीं बिगड़ेगा, अमल में लाएंगे तो आपके जो कर्म कठोर कर्म बने हुए अनंत जन्मों से कठिन कर्म बने हुए वो भी भक्ति की शक्ति तो अपने आप कटने लग जाते हैं। ये ताकत होती है संत वाणी में, कर्म काट देते हैं। एक जगह की बात मैंने कई बार आपको एक घटना सुनाई थी, गांव चिटाणा जिला सोनीपत में सरजो देवी महाराज जी की तपोभूमि में आके जटेला धाम में ये जाड़ के नीचे बैठ के अर्ज किया करती थी, प्रार्थना करती थी, प्रार्थना करती थी, गुरुदेव अगला जन्म यदि मेरा हो तो आपके सिर चरणों में रहने का मौका मिले, किसी भी योनि में दे देना, चाहे कुत्ता बना देना पर रखना आपकी तपोभूमि में। इतना प्रेम, इतना सहज भाव से प्रार्थना करती थी गुरुदेव से। लेकिन धीरे धीरे कर्म की चोट बड़ी प्रबल होती है सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, और जीव को घेर लेती है, किसी ना किसी रूप में घेरने की कोशिश करती है। तो एक समय क्या हुआ, उनके बेटे की बहू के कैंसर हो गया, 2006 की बात है, गांव चिटाणा जिला सोनीपत में कैंसर हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया घर ले जाओ। सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, जवाब दे दिया घर ले आए, समय भी निर्धारित कर दिया कि थोड़े टाइम की है। तो वो सरजो देवी जाड़ के नीचे आकर के प्रार्थना करने लगी महाराज जी के तपोभूमि जटेला धाम में, हे गुरुदेव आप जो चाहो सो कर सकते हो, पर ये कृपा करो मेरे बहू की कैंसर मेरी झोली में डाल दो। उनकी बेटे की बहू का कैंसर हुआ था। ऐसी सासू, इतना प्रेम, आजकल तो वक्त ही दूसरा है, सास बहू की झगड़े रहते हैं और तो रहते ही नहीं। तो आप सोच के देखो, इतनी ऊंचे विचार की सात्विक वो माता प्रार्थना कर रही है, गुरुदेव मेरी बहू का कैंसर मेरी झोली में डाल दो, फिर मेरी बहू ने ठीक कर दो। 3 महीने में देखते देखते कैंसर कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफर हो गया। मां बूढ़ी माई में कैंसर आ गया और बेटे की बहू ठीक होगी। सन 2006 और आज कितना है, 2023। गांव चिटाणा में जाके तसल्ली कर सकते हो, उनके खाज भी नहीं है। और सन 2006 में सारी मेडिकल साइंस सब कुछ फैल, ये सदगुरु वाणी का प्रताप है। ये संतों के ऐसे पवित्र हृदय रखने वाले, जिनका मन चंगा कटौती में गंगा, जिनका मन भाव ठीक है, जो सार ग्रहण करते हैं, अवगुण को छोड़ते हैं, उनके हृदय में बदलाव आता है, उनके हृदय में आंतरिक प्रेम पैदा होता है। इसलिए तो मैं कई बार कहता हूँ भाई, दोपहर की आरती रविवार को जब करते हैं बैठा करो, आपकी आरती, आपकी विनती, आपकी प्रार्थना, आपका रोना हृदय से कदे सच्चा हो जाए। प्रार्थना करते करते भाव आ जाए, गुरुदेव आप दयालु हो,
कभी कभी आपके हृदय से वो प्रार्थना का भाव बन जाए, ऊपर के दुनिया के तमाशों से नहीं, आपके हृदय की प्रीत जुड़ जाए, और वो हृदय की प्रीत, वो हृदय की हुई प्रार्थना आपके बड़े बड़े दुखों को, बड़ी बड़ी पीड़ाओं को खत्म कर सकती है। इसलिए अपने जीवन में, सत्संग में, गुरुदेव की आरती में, गुरुदेव की विनती में जरूर कोशिश करें, समय निकाल के हफ्ता में एक दिन तो 1-1.5 घंटे का टाइम है, गुरुदेव के श्री चरणों में बैठने का मौका मिलता है। नहीं तो पता ना फिर ये आत्मा किस योनि में कहाँ कहाँ जाएगी, न ये मित्र मिलेंगे, न ये परिवार मिलेगा, न ये गोती नाती मिलेंगे, न कोई साथी मिलेगा। आज कितने साथी हो, कितना प्यारा हो, ये कहेंगे बस चला गया भाई, और यहाँ से सब कोई जात है, उससे ना कोई आत, यहाँ से सारे जंदे दिख रहा है, वहां से कोई नहीं आता है। इसीलिए सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, सदगुरु कबीर कहते हैं, एक दिन जाना होए जरूर, एक दिन जाना पड़ेगा। और स्वामी नितानंद दयाल कहते हैं, जिसने सब तक चालना सो क्यों करे गुमान, जिसने सब छोड़ करके जाना है वो अभिमान, वो नफरत, वो द्वेष क्यों करता है, क्यों अभिमान अहंकार करता है, मेरा मेरा मेरा, ये तो तेरा शरीर भी नहीं है, तो फिर कौन सी वस्तु तेरी है, कौन सी दौलत तेरी है, जब शरीर भी तेरा साथ छोड़ सकता है। तो प्रिय बंधुओं, ये महल बंगले तो तेरे काम नहीं आएंगे, इसलिए अपने जीवन में सार ग्रहण करो, सत को ग्रहण करो, कोई रोग हो, कोई पीड़ा हो, अर्ज करे सतगुरु प्यारे से, विनती करे सतगुरु प्यारे से, मेरे सतगुरु प्यारे बिगड़ी संवार दे, मेरे सतगुरु प्यारे बिगड़ी संवार दे, कर्म के मारे तेरे दर दे पुकार दे, कर्म के दर दे पुकार दे, मेरे सतगुरु प्यारे बिगड़ी संवार दे, मेरे सतगुरु प्यारे। क्या पता किस जीव पे क्या क्या विपता आन पड़ती है, कोई पता नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े त्यागी वैरागी सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, बड़े बड़े धनवानों पे बड़ी बड़ी विपता आ जाती है। आपने सेठ ताराचंद का सुना होगा, कदे सेठ ताराचंद के जा चला करते, कदे डूब गए समंदर में, और महाराज कंगाल होगा, भिखारी बनना पड़ गया। सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, बेटा भी गिरवे रखना पड़ गया था, इतनी विपता इतने दुख आ गए थे, कदे राजा था और कदे बेटा भी गिरवे रखना पड़ गया, इतना कंगाल हो गया। सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, ये हमारे महापुरुष क्या करें, गांव में देहात में क्या करें, ढलती फिरती छाया होती है, अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, पता ना व्यक्ति के साथ कौन सी बात कब घट जाए, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में सहज और सरलता को धारण करके मालिक से अर्ज करें, प्रार्थना करें, विनती करें, ताकि ये दुख पीड़ाएं समाप्त होने लग जाए। लेकिन मन में निश्चय करें, प्रेम बड़ी चीज है, प्रेम बड़ी चीज है, प्रेम करो, क्योंकि ये जो मित्र प्यारे बंधु मिले हैं ना, ये बड़े प्रारब्ध के लेन देन, बड़े प्रारब्ध की कमाई से मिले हैं, और ये बिछुड़ जाएंगे फिर मुलाकात भी नहीं होगी। इसलिए सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, सभी से प्रेम करो, कोई पराया नहीं है, मत नफरत की बातों में जियो, क्योंकि सब चलता चलना है, तो क्यों पुराना बोझ सिर पे रखना है। निंदा अपमान करेंगे, दूसरे की निंदा करोगे तो दूसरे के पाप को अपने सिर पे रखना है, इसलिए पाप ना कर बंदिया, पाप मत करो। नितानंद निंदा बुरी पापों की सरदार, पकड़ चलावे नरक में निश्चय करो विचार। निंदा पापों की सरदार है, जो इस जीव को नरक गामी बना देती है। इसलिए सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, सार ग्रहण करो, सार ग्रहण करने वाला किसी पे अवगुण नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता, किसी पर बेईमानी ठगी के दोष लगाता नहीं है, क्या अन्य किसी के साथ करता है, काम उसी का बिगड़ता है। जो कोई अवगुण करे ताका बिगड़े काम,
अर्ज कोई अर्ज करेगा, प्रार्थना करेगा, तो ये स्वामी नितानंद दयाल तो ऐसे सामर्थ सृजनहार धनी है महाराज, कागत हंस बना दे, ऐसे सामर्थ धनी है रंक को कंगाल आदमी को राजा बना दे। अमर मार मृतक करे मृतक लेत जवाए, अनहोनी होनी करे वे होनी देत मिटाए। वो पता नहीं क्या कर सकते हैं, इसलिए हमेशा विनती करें।